हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटसी स्पोर्ट्स लैन पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रोमानिया टीटन का मुकाबला, जो कि गाइस जीआईए वर्सेस गाइस यूएनए के बीच में खेला जाना है। गाइस ये मुकाबला वन साइडेड विनिंग हो सकता आसानी से। और ये वीडियो पूरी देखते हो ना, आपको काफ़ी अच्छी खासी आपको टीम मिलने वाली और काफ़ी शानदार प्रिडिक्शन आपको देने वाला, जिससे आप आसानी से जैकपॉट विनिंग इस मैच में जो कर पाएंगे। तो कैसे टीम क्रिएट करना है, कैसे आपको दोस्तों जो कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है, पूरा वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो को वॉच कर लेना गाइस। साथ ही यहाँ पर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, जो कि इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं एक टीम पहले से बना रखी है, यहाँ पे मैं आपको टोटल जो ऑल प्रीव्यू दिखाता हूँ सारे प्लेयर्स के बेस पे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दो सिंपल से फंडा, यहाँ पे दोस्तों विकेट के पास सेक्शन तीन प्लेयर है। सिंपली बताऊंगा दोस्तों, दोनों प्लेयर आपके लिए मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हालांकि बात करें आर्यन मोहम्मद, जो कि गाइस कभी यहाँ बात करें तो यहाँ पर ओपन भी करते हैं और दोस्तों तीसरे चौथे नंबर पर इनको खेलने को भेजा जाता है। मे बी आपको इस मैच के अंदर ये ओपन करते हुए ही नजर आएंगे, तो इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फिलहाल अभी दोनों प्लेयर्स को अपनी टीम में लेकर चल रहा हूँ गाइस। ये दोनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस मैच के लिए रहने वाले हैं। वहीं नेक्स्ट में अगर बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन मैंने तीन प्लेयर ले रखे हैं, जहाँ पर गाइस आनंद रहने वाले हैं। और गाइस इन प्लेयर ने जो लास्ट में काफी शानदार विनिंग कराई थी, बहुत से लोगों ने इसको ड्रॉप कर दिया था दो मैच के बाद, लेकिन गाइस होता है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो। दोस्तों आपको जिस प्लेयर पर भरोसा है ना, उसको अपनी टीम में जरूर लेकर चलो, वो आपको 100% अच्छी खासी विनिंग कराएगा। और लास्ट मैच में 80 पॉइंट्स दिया था कल के, जो कि दोस्तों हमें बहुत शानदार जैकपॉट विनिंग की थी। तो अगर आप भी ऐसे चाहते हैं जैकपॉट विनिंग करना, तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। और आपको मैं कमेंट सेक्शन में भी जो है आपका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, जिससे आसानी से जुड़ पाएंगे यहाँ। तो अभी नेक्स्ट बात करते दोस्तों, आपको मैं ऑल प्लेयर्स के यहाँ पे एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ गाइस। जैसा कि दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी खासा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है नहीं दोस्तों। ये यहाँ पे वाई जट हो जाते हैं, राणा हो जाते हैं, यहाँ पे सलाम का एस सलाम काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं, ए उमेश की दोस्तों बैटिंग काफ़ी नीचे आती है। तो यहाँ पे गाइस ट्राई करो कि ये जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ना, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों करके देना है, जैसा कि सी फर्नांडो और यहाँ पे ए अली रहते हैं। बाकी आपको बता दूँ आनंद आपको केवल बैटिंग करते नजर आएंगे, और काफ़ी दोस्तों बेहतरीन यहाँ पे जो बैट्समैन है। लास्ट सीजन में इस प्लेयर ने दोस्तों जो है काफ़ी आसानी से दोस्तों 350 प्लस स्कोर किया था ऑल सीजन के अंदर। तो एक मोस्टली इंपॉर्टेंट पिक इस मैच में बनने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, मोस्टली इंपॉर्टेंट दो प्लेयर रहेंगे, जो कि यहाँ पे आरगिल और यहाँ पे हैदर अली रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पे जो फिलहाल बेहतरीन आपको ऑलराउंडर देखने को नहीं मिलेगा। आप रिस्क ले रहे हो ग्रैंडली के अंदर, तो यहाँ पे आप आदिल मोहम्मद को ट्राई कर सकते हो। ओके, इसके अलावा दोस्तों नीचे कोई खासा इंपॉर्टेंट पिक है नहीं अगर, लेकिन प्लेइंग 11 कोई चेंज होता है ना, तो वो भी अपडेट आपको टेलीग्राम पर हमारे मिल ही जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन कर ही लो, उसमें से आपको पता लग जाएगा किसको लेना है किसको नहीं। तो ये अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल दोनों बेस्ट प्लेयर्स को यहां से ले लेते हैं। बॉलिंग सेक्शन में बात की गई, बॉलिंग सेक्शन में आपको बहुत सारे प्लेयर देखने को मिलेंगे, तो यहां पे आपको किसके साथ लीड करना है आपको बता दूं गाइस। ग्रैंडली खेलो तो फ्लोरिन ट्राई करो, उसके अलावा दोस्तों ग्रैंडली के यहां पे यू अली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच में बन सकता है गाइस। साथ ही यहां पे कैप्टनशिप ट्राई करो फर्नांडो को, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, अगर इस मैच गाइस चल गया ना, आपको अच्छी खासी जैकपॉट विनिंग करा जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करें गाइस जो प्लेयर्स हैं यहां पे गाइस, आपको यहां पे अरुण कुमार को जो भी बॉलिंग है ना गाइस काफी कम करा गाइस। लास्ट मैच इसको कैप्टनशिप भी दी गई थी, लेकिन प्लेयर ने बॉलिंग नहीं की थी। इस मैच के लिए जैकपॉट विनिंग करा सकता है प्लेयर। लास्ट मैच में मैंने आपको कल को बताया था कि ट्रंप प्लेयर बन सकता है, लेकिन गाइस इस मैच में इसको बॉलिंग नहीं कराया गया है। इस मैच के अंदर आपको दोबारा से एक बार मैं बता रहा हूँ गाइस, इस मैच में पहला मुकाबला इसमें आपको आसानी से जयपुर विनिंग करा सकता है अगर ये बॉलिंग इस मैच में करता है। और चांसेस दोस्तों हाई है इसका, जो 80-90% चांस है कि आज के मैच ये दो ओवर कंप्लीट बॉलिंग करके देगा आपको, जिस तरह से अच्छे खासे आपकी विनिंग हो जाएगी। तो जीएल वाले अपने ध्यान रखें किस प्लेयर के ऊपर आपको बैट लगाना आज के मैच में। इसके अगर दोस्तों अभी कोई खासा इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में कोई अपडेट आया नहीं है, बाकी हमारी जो टीम है उसका आपको सेफ प्लेयर अपनी टीम में ले रखेगा इस। यहाँ पर जैसे कि आपको बताया ना, जिन प्लेयर के ऊपर रिस्क लेना वो जरूर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने साफ अहमद को ट्राई किया गाइस, ये बहुत ही शानदार गेंदबाज है, हालांकि उस लेवल पर अभी इसको विकेट्स मिले नहीं, लेकिन प्लेयर बहुत ही बेहतरीन है, तो मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। हालांकि देख सकते हैं आप केवल 8% के अराउंड इसको प्लेयर्स टीम ने अपने बंदों ने ले रखा है, लेकिन हम इसको लेंगे। अगर आप चाहो तो इसको ग्रैंडली के अंदर भी ट्राई कर सकते हो, तो कैप्टन वाइस कैप्टन से अच्छा चॉइस बन सकते हैं अगर इनके जो टॉप प्लेयर्स पर यहाँ पर जो फेयर होते हैं अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने में। तो ये हमारी टीम रहती है गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सेफ एकदम सेफ अगर खेल रहे हो ना, तो ये दोनों आपके लिए जो सबसे बेस्ट यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइस है। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको बता दूं आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे रिकी गिल के साथ लीड करो, या फिर हैदर अली के साथ भी लीड कर सकते हो, तो वाइस कैप्टनशिप ट्राई करना यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टनशिप में कैप्टन आप इन दोनों में से किसी एक को ही रखना, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वाइस कैप्टनशिप आप अदर चॉइस दिया है, इन दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर रिस्क ले रहे हो ना, मैंने आपको बताया था गाइस यहाँ पे जो है जे फर्नांडो को लो और वहाँ पर उसको वाइस कैप्टन कर दो, पांचवें या फिर चौथे नंबर बैटिंग करेगा, प्लस गाइस 1-2 ओवर हो सकता है चांसेस ज्यादा, एक ओवर बॉलिंग करे तो वहाँ पर आपको अच्छे खासे विकेट निकाल के दिया जाएगा ना, तो काफ़ी अच्छे आपको जो रिस्क अच्छे खासे पॉइंट के साथ विनिंग दिला जाएगी।
तो गाइस ये हमारी फिलहाल ये भी इनिशियल टीम है, टॉस कर फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो वहाँ जरूर ज्वाइन कर लेना। एक बार आप प्रीव्यू चेक कर लेते हैं अपनी टीम की, जैसे गाइस मैंने विकेट कीपर सेक्शन में ए मोहम्मद यासिर, उसके बाद आनंद को ले रखा है, ए अली रहेंगे, सी फर्नांडो रहते हैं, ऑलराउंड सेक्शन में एच अली रहेंगे, उसका दोस्तों आर गिल रहते हैं, बॉलिंग डिपार्ट से दोस्तों यहाँ पे एस अहमद रहेंगे, डी फर्नांडो, उसका दोस्तों डी मनोहरा और गाइस यहाँ पे ए रहमान रहते हैं। ए रहमान अगर नहीं खेलते तो यहाँ पे गाइस आपको फाइनल अपडेट्स की जो चेंज करना है वो मैं टेलीग्राम पर ही दूंगा, तो टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस फिर वीडियो कमेंट करके ये भी बताना कैसी लगी है, और कुछ अलग आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी दोस्तों लाइक जरूर कर देना चैनल पे, और गाइस यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लेना अगर पहली बार आए हो तो। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।